देना बैंक है पहला स्टॉक। अहमदाबाद से चैतन्य पूछ रहे हैं ये सवाल। देना बैंक पर नुकसान हो रहा है ₹7.70 का। इन्होंने देना बैंक खरीदा था ₹27 पर, बहुत महंगा लिया था, लेकिन थोड़ा आप मूव मिल सकता है, 21-22 तक जा सकता है, इसलिए होल्ड कीजिए। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर देना बैंक का वीक है, अब मूव मिलता है तो उसका एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा। नोएडा से राहुल, धामपुर शुगर 1000 शेयर, 205 इनकी बाइंग प्राइस। 205, वेल यहाँ पर भी वीकनेस है, लेकिन ऐसी जगह पर है कि थोड़ा एक बाउंस मिलेगा, बाउंस करीब 200 के करीब ले जाएगा, वहां पर निकल सकते हैं। राकेश कुमार सिलीगुड़ी से, रिलायंस कम्युनिकेशन होल्ड करते हैं, 10,000 शेयर, अच्छी खासी मात्रा में, 26.61 रुपए खरीद का भाव, ₹2.96 पर शेयर लॉस, लेकिन हाँ 10,000 शेयर हो तो ये भी बड़ा ही लॉस है, लेकिन यहाँ भी निकल जाना चाहिए, अपमू का एडवांटेज देकर निकल जरूर जाना चाहिए, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर रिलायंस कम्युनिकेशन का वीक है। ठीक है, तो आप बिल्कुल रिलायंस कम्युनिकेशन से एग्जिट लीजिए राकेश जी, वीक स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब कौशल दिल्ली से पूछ रहे हैं, एमको में क्या करें, 1000 शेयर, ₹21 की खरीद। एमको, वेल 21 रुपए की खरीद है, यहाँ पर निकल जाना चाहिए क्लियर कट, क्योंकि स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। पुणे से हर्षा, एबी कैपिटल होल्ड करते हैं, हर्षा 40 शेयर, 210 में खरीदा था, है तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन रेसिस्टेंस 180-150 के करीब है, मुझे लगता है होल्ड ही करना चाहिए, जब भी बाउंस मिले तो बाउंस का एडवांटेज देकर निकल जरूर जाएगा, 180 में स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। ठीक है, 180 में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, एक बाउंस जैसे दिखे एबी कैपिटल में, वहां एग्जिट। आशीष शर्मा हिंदुस्तान जिंक होल्ड करते हैं, 100 शेयर, 312 इनकी बाइंग प्राइस। हिंदुस्तान जिंक, वेल 312 बाइंग प्राइस है, होल्ड करना चाहिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट, तो 300 में हो सकता है 350 भी देखने को मिले, होल्ड कीजिए। रायगंज से मनोज दे, इनके पास है बल फार्मा, 100 शेयर, ₹110 इनकी बाइंग प्राइस है, निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से थोड़ी और गिरावट आ सकती है, इसलिए अगर फिर री एंटर करना है तो जगह 65 की हो जाती है। ठीक है, अभी भी गिरावट है, 65 के आसपास आप री एंटर कर सकते हैं, फिलहाल एग्जिट। फरीदाबाद से प्रसाद, हिमाद्री केमिकल है इनके पास, 200 शेयर, इन्होंने से खरीदा है 160 के भाव पर, होल्ड ही करना चाहिए, बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अब साइडवेज जोन पर है, मुझे लगता है अपू मिलेगा, 180-190 भी जोन देखेंगे। ठीक है, ग्वालियर से चंदन का सवाल, 59 शेयर रिलायंस निपॉन के होल्ड करते हैं, 252 में खरीदा था इसे, रिलायंस निपॉम 252 में खरीदा था, बल निकल जाइएगा, 8 रुपया मिल रहा है थोड़ी, क्योंकि स्ट्रक्चर टिपिकल साइडवेज जोन पर है, स्ट्रेंथ नजर नहीं आती है, इसलिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, तो 8 रुपए के प्रॉफिट को बुक कीजिए। राजीव शर्मा दिल्ली से, बीएसई 100 शेयर, ₹936 की खरीद है इनकी, बहुत महंगा लिया लगता है, अब थोड़ा वीकनेस में है, लगता है यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, वो बाउंस कहाँ तक ले जा सकता है, करीब 900 आपकी कॉस्ट है उसके आसपास, तो वहां पर निकल जाइएगा, ऐड मत कीजिएगा, लेकिन निकल सकते हैं वहां पर। शुभम गुप्ता कानपुर से, पीएफसी 2500 शेयर हैं इनके पास, और इन्होंने से खरीदा करीब ₹90 के आसपास, ₹89.98 का भाव, वीक स्ट्रक्चर, निकल जाना चाहिए। ओके, पावर फाइनेंस से एग्जिट की सलाह यहाँ पर। डीके अग्रवाल रोहतक से, बॉम्बे डाइंग होल्ड करते हैं, इन्होंने इनके पास है 500 शेयर, और इन्होंने से खरीदा था 269 के लेवल्स पर, वेल होल्ड कीजिए, बेसिकली स्ट्रक्चर पावर फाइनेंस बॉम्बे डाइंग का ठीक ही है, अपर रीजन्स में 290-300 भी देख पाएंगे, अगर थोड़ी इसमें गिरावट आती है तो वहां पर एड भी कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव। पुणे से श्रुति, त्रिवेणी टर्बाइन 1000 शेयर, ₹121.18 की खरीद, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है, 100 का जोन भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पर एड करने की जगह है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन्स। दिल्ली से सोनू खन्ना, यूनियन बैंक 6000 शेयर, ₹145 इनकी बाइंग प्राइस, एग्जिट। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट एग्जिट यूनियन बैंक से। रांची से दिप्तोष, एनबीसीसी पर है इनका सवाल, 230 शेयर है प्रकाश जी, और इन्होंने से खरीदा था ₹253 पर, होल्ड करना चाहिए, जगह ऐसी पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर एक बाउंस मिलेगा, वो करीब 230-235 ले जाएगा, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा, हाँ अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, जो ऐड करें वो 240-250 में बेच दीजिएगा।
पटना से अश्विनी जी का सवाल, HDFC लाइफ पर 250 शेयर 440 की खरीद? होल्ड करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। जमशेदपुर से गौरव, दीवान हाउसिंग 450 शेयर होल्ड करते हैं, 480 बाइंग प्राइस है? नथिंग टू वरी, होल्ड करना चाहिए, बेसिकली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर मुनाफा घर भी ले जाना है तो ले जाइए मुनाफा, और अगर लोअर लेवल देखने को मिलते हैं तो ऐड करने की जगह 440 हो जाती है। तो योर कॉल, प्रॉफिट बुक करेंगे तो नुकसान नहीं होता, ठीक है, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, थोड़े समय इंतजार करके ऐड भी कर सकते हैं। राजेश पंचकुला से, फेडरल बैंक होल्ड करते हैं, 1000 शेयर 98 की खरीद है? होल्ड करना चाहिए, अब मुंह मिलेगा 110 के आसपास, 100 टू 110 में निकल सकते हैं। एक और बैंक पर सवाल पूछ रहे हैं नवीन, मुंबई से कर्नाटका बैंक, 1000 शेयर और 169 में खरीदा इन्होंने। कर्नाटका बैंक 169, आई थिंक एग्जिट करना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर होना नहीं चाहिए कर्नाटका में। तो और ड्रिप मिल सकता है कर्नाटका बैंक में, इसलिए एग्जिट ही कर जाइए, नुकसान अभी भी हो रहा है, नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतने ही स्टॉक्स हम शामिल कर